किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि सरसों में फलियां आने के बाद या फिर सरसों में फलियां आते समय कौन सा स्प्रे करें जिससे कि अच्छी पैदावार ली जा सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारी सरसों की जो फलियां हैं वह आ चुकी है, मतलब वह उनमें कुछ फलियाँ आ चुकी है और कुछ फलियाँ भी आनी बाकी है। इसलिए किसान भाइयों, खेत में धीरे धीरे नमी भी ख़त्म हो रही है, इसलिए हम अपनी सरसों में आज स्प्रे कर रहे हैं। किसान भाइयों, स्प्रे के बारे में बात करने से पहले किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपको खेती से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। किसी भी खेती से संबंधित आप जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे करें कमेंट बता सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम अपने खेत में सरसों में जब फलियाँ आ चुकी है तो उस पर आज हम स्प्रे कर रही है। किसान भाइयों, स्प्रे में हम 1 किलोग्राम NPK 0050 लेकर अपने 1 एकड़ खेत पर स्प्रे कर रहे हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि इस स्प्रे का NPK 0050 का इस समय पर क्या लाभ होगा और क्या इसके से क्या क्या होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि फलियां बनते समय यह स्प्रे क्यों ज़रूरी है। किसान भाइयों, जो पोटास होता है हमारी फसल के लिए, जब हमारी फसल में फल आने लगता है तो उस समय पर पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि भाइयों जब पोटास की आवश्यकता होती है तो हमारी जो फलियाँ होती है वह ज़्यादा बनती है उसकी मदद से, और जो फलियों में जो फुलाव होता है वह फुलाव ज़्यादा होता है। और किसान भाई, जब फलियों में फुलाव ज़्यादा होगा तो जो सरसों की दाना है, सरसों की दानों की मात्रा उसमें ज़्यादा बढ़ेगी, और किसान भाई जो सरसों का दाना मोटा भी होगा जिससे कि सरसों के दाने में वजन होगा, और वह एक जो उसमें तेल होता है वह तेल भी ज़्यादा निकलेगा। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम अपनी सरसों की फसल से एक अच्छी पैदावार लेने के लिए अपनी सरसों की फसल में स्प्रे कर रहे हैं। NPK 0050 लेकर 1 किलोग्राम अपने सरसों के खेत में स्प्रे कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस सरसों की बुआई 17 नवंबर में की गई थी, यह पछेती हो गई थी, गन्ना काटने के बाद इसकी बुआई की गई थी। किसान भाइयों, हमने इसके बीच में असोजी गन्ना भी लगा रखा है। इसकी गन्ने की बुआई हमने 15 अक्टूबर में की थी। किसान भाइयों, देखिए बीच की लाइनों में गन्ना है, इसके बीच की दूरी 4.5 फीट है और बीच में सरसों है। सरसों बहुत अच्छी जम रही है और आज हम इस पर NPK 0050 का स्प्रे कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमें NPK 0050 का अपने सरसों की फसल पर स्प्रे करके जो हमारी फसल की बालियाँ है वह ज़्यादा लंबी होगी, मोटी होगी, और जो उसमें सरसों के दाने की मात्रा है वह भी ज़्यादा बनेगी और दाना हमारा मोटा होगा, जिससे कि हम आने वाले समय में सरसों की फसल से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप भी अपने सरसों की फसल पर स्प्रे करके अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी साथ।